इधर से इधर भाई पहले पिक्चर इधर। भाइयों हम लोगों को इस तरह का स्टेडियम चाहिए, जितना भी हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये बन सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम मुश्तवा ग्वादर ट्रैवलर से आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, और नए वीडियो में हम आपको फिर से ग्वादर का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड थी। पब्लिक ने इसलिए डिमांड किया क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। फिर से उन्होंने डिमांड किया कि इसको फिर से वो किया जाए, वीडियो में लाया जाए ताकि फिर से इसे देखा जा सके। तो मैं फिर से लाया हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह का लश्कर राशि है, बहुत ही ज़बरदस्त था, खूबसूरत था। सबसे पहले इस ग्राउंड का हम पवेलियन देखेंगे, क्योंकि कल इन इलाकों को मैंने कवर नहीं किया था जो आज लेटेस्ट वीडियो में मैंने आप सबके लिए कवर किया है। और इसका व्यू यहाँ पवेलियन से लिया है कि यहाँ से पवेलियन से इसका किस तरह से दिखाई देता है। आगे चल के हम लोग ग्रास को भी देखेंगे और आपको पहाड़ों का भी वो व्यू दिखाएंगे जो आप अक्सर ऊपर से देखते हो, जो तस्वीरों में मौजूद होता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम आपको पूरी वीडियो दिखा सकें और आपको फुल इंटरटेन कर सकें, ताकि आप वीडियो से मज़ा उठा सके। तो सबसे पहले मेरे चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस दफ़ा ये वीडियो मैंने कुछ और भाई भी मुझसे मांग रहे थे, जब मेरा वीडियो देखा तो मैंने भी उनको भी फैसिलिटेट किया यहाँ से। अगर आप देख सकें तो बहुत ही खूबसूरत और लश ग्रास ही है, अगर देख सकें तो बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू, पहाड़ों का भी आप देख सकते हैं। और ये हमारा पवेलियन, भाइयों कल हम लोगों ने डिटेल वीडियो देखा था, आज हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम लोग कुछ बंदों को आपको दिखाएंगे जो वहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं खेलने के लिए अक्सर नेट प्रैक्टिस और बाकी चीज़ों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्राउंड है यहाँ के नौजवानों के लिए, ताकि वो अपना वक्त खेल में सर्व कर सकें। ये स्कोर बोर्ड है, अगर आप देख सकें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ मैं आपको ये ग्रासी चेक कराता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रासी है, अगर आप देख सकें तो। ये ग्रासी से भरा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। पिच को देखने के लिए बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी, वो ऊपर से पिच को वो देखने के लिए डिमांड कर रहे थे। आज मैं उनको फिर से पिच दिखाऊंगा, लेकिन आज का पिच थोड़ा सा पानी दिया हुआ था रूलिंग करने के लिए, ये लोग खड़े थे, इसी वजह से आज का व्यू उस तरीके से नहीं आया जिस तरह पिछले वीडियो में आ गया। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और 2-3 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपको वाजे पता चल जाएगा कि ये ग्राउंड पहले किस तरह का था, ग्रासी किस तरह का था, और अब ग्रासी कितना प्यारा और लश है।